हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ओक्स यूट्यूब चैनल फार्मरोग के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैलफॉल 500 मिलीग्राम टैबलेट्स के बारे में और सीखेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में साथों साथ हम करेंगे उसके डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी और जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में उसके मिकेनिज्म क्या होती है उसके साइड इफेक्ट्स एंड वार्निंग्स वगैरह को भी हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमरसर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑक्स थैंक यू फॉर बी टू लैक फैमिली अपडेटेड रही फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मर ऑक्स के एप ऊपर तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड पर करें गूगल प्ले स्टोर पर से आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करे लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं कैलफॉल फाइव हंड्रेड मिलीग्राम टैबलेट्स के बारे में तो ये टैबलेट के जो मैन्यूफैक्चर है वो है ग्लैक्सो स्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल की जिसका आप यहाँ पे लॉगो देख सकते हैं उसके कंटेनर के ऊपर कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जी तो जी का ये प्रोडक्ट है और इसका जो मेन सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो उसके अंदर है पैरासीटामोल फाइव मिलीग्राम तो ये खास आपको जानना जरूरी है कि कैल्फॉल 500 मिलीग्राम उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंपोजिशन जो है इसके अंदर दैट तो इज़ पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल को हम एसिटाइमिनो फैन भी कहते हैं तो कैल्पोल 500 मिलीग्राम के अंदर जो मेन मेडिसिन है दैट इज़ पैरासिटामॉल जिसको हम कहते हैं एसिटाइमिनोफेन एंड इट हैव ए एंटीपायरेटिक एक्शन ऑन आवर बॉडी कि हमारी बॉडी के ऊपर उसकी एंटीपायरेटिक एक्शन होती है एंटीपायरेटिक मतलब कि ऐसा मेडिसिन कि जो रिड्यूस करता है फीवर को और साथ प्रिवेंट करता है तो ये आपको जानना काफ़ी जरूरी है और इट ऑल्सो हैव ए एनालजेसिक एक्शन एनालजेसिक मतलब कि जब हमें पता है कि जब फीवर की जैसी कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर पेन भी होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग अलग पेन सेंसेशंस होना स्टार्ट होता है तो उसको भी कम करता है और प्रिवेंट करता है ये कैल्फोल 500 मिलीग्राम टैबलेट तो अब जानते हैं उसके बेसिक यूज़ के बारे में तो कैल्फर 500 हंड्रेड मिलीग्राम टैबलेट है एनाल जिसक एन एंटीबायोटिक एक्शन ऑन अवर बॉडी सो इट इज़ यून इन ए ट्रीटमेंट ऑफ फ़ीवर इट रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ फीवर के फीवर के जितने भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं ये सभी को ट्रीट करता है मतलब कि जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि जब आप थर्मोमीटर से चेक करते हैं बॉडी टेम्परेचर तो वो कई बार हंड्रेड डिग्री फेरन या फिर सेल्सियस के अंदर 38 या फिर 39 या फिर 40 डिग्री जितना दिखाता है तो ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना फ़ीवर जैसी कंडीशन साथ, साथ जो बॉडी पेन वगैरह होते हैं पेन सेंसेशंस होते हैं उसको भी रिड्यूस करता है एंड प्रिवेंट करता है ये मेडिकेशन। सो कैल्फॉल फाइव मिलीग्राम टैबलेट इज़ यूज टू ट्रीट फीवर एज वेल एज़ रिड्यूस द पेन सेंसेशन कि आपकी बॉडी के अंदर जो पेन सेंसेशन होते हैं उसको कम करने के लिए फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए कैलपोल टैबलेट को यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे आप उसका कंटेनर देख सकते हैं कि इसके पैकेज के अंदर टोटल 15 टैबलेट्स आती है तो 500 मिलीग्राम का ये टैबलेट जिसके 15 टैबलेट जो है वो उसके पैकिंग के अंदर होते हैं और पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम उसके अंदर मेन मेडिसिन है कि जिसकी एक्शन यहाँ पे कंटेनर पे भी लिखा है कि एनाल एंड एन एंटीपायरेटिक एक्शन फिर यहाँ पे उसका डोज लिखा है कि एडल्ट एंड चिल्ड्रन 12 इयर्स एंड अबव तो एक से दो टैबलेट आप ले सकते हैं चार से आवर्स के गैप के अंदर और मैक्सिमम 4000 हजार मिलग्राफ जितना डोज जो है वो आप दिन में ले सकते हैं फिर यहाँ पे स्टोरेज टेम्परेचर भी उसका लिखा है कि तीस डिग्री या फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको स्टोर ना करें फिर छोटे बच्चों से उसको दूर रखना है ये भी वार्निंग यहाँ पर लिखी है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर की जो सनलाइट होता है फिर मॉइस्चर वगैरह होता है उससे आपको इसे प्रोटेक्ट करना है और यहाँ पे उसके कंटेनर के ऊपर वार्निंग भी लिखी है कि टेकिंग मोर देन डेली डोज में को सीरियस लिवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि स्वेलिंग ऑफ द फेस माउथ थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ईचिंग और रेसेस मतलब कि जो उसका डेली रिकमेंडेड डोज होता है या फिर जो सेफ डोज होता है उससे ज़्यादा टैबलेट्स लेने से ये अलग अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मतलब कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन्स हो सकते हैं मतलब कि आपके चेहरे के ऊपर सूजन हो सकती है साथों साथ थ्रॉट के अंदर भी सूजन हो सकती है ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है ईचिंग वगैरह हो सकता है रेसिस हो सकती है आपकी बॉडी के ऊपर तो ये खास आपको ध्यान रखना है जब ये कैल्पोल टैबलेट आप यूज़ करते तो ये इसके कंटेनर को भी आप अच्छे से रीड करना जिससे आपको ये सब इन्फॉर्मेशन साथ मिलेगी बिकॉज़ यहाँ पे लिखा है कि पैरासिटामोल ओवरडोज में इंजेरियस टू लीवर कि इसका ओवरडोज जो है वो आपके लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है तो डेली डोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चार से छ आवर्स के गैप के अंदर आप पैरासीटामोलॉल जो टैबलेट है कैल्पल फाइव हंड्रेड एम टैबलेट जो है वो ले सकते हैं मतलब कि दो टैबलेट्स के बीच में मिनिमम चार से छः घंटे का डिफरेंस होना जरूरी है मतलब कि समझो कि ये टैबलेट जो पहला टैबलेट है वो समझो कि मॉर्निंग में आप आठ बजे लेते हैं तो दूसरा जो टैबलेट है वो एटलीस्ट आप दो बजे लीजिए तो ये दो टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट चार से लेकर छः वर्ष का जो गैप हो जाएगा फिर दो बजे के बाद डायरेक्टली आप रात को समझो कि आठ बजे फिर से जो है वो तीसरा टैबलेट लेते हैं तो इस तरह से मैक्सिमम जो है वो दिन में आप तीन टैबलेट लीजिए तो वो आपके लिए रहेगा सेफ बिकॉज अभी जैसे हमने बात की कि लीवर के लिए डेंजरस होता है मैक्सिमम हायर डोज लेना तो इसके प्रिस्क्रिप्शन में भी आप इस तरह से लिखा हुआ देखते कि वन 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 उसका मतलब ये होगा कि आपको मैक्सिमम तीन टैबलेट ही लेनी है ये कैलपोल 500 मिलीग्राम के मैक्सिमम डोज उसका रहता है फोर ग्राम जितना मतलब कि 400 मिलीग्राम पर डे बट ये सिर्फ इमरजेंसी कुछ कंडीशन होती है ऐसे कंडीशन में ही ये हायर डोज दिया जाता है जबकि सिर्फ जो सेफ डोज़ की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मिलीग्राम जितना आप डेली डोज जो है वो ले सकते हैं कि जो रहेगा मैक्सिमम सेफ डोज ऑफ कैल्पल 500 मिलीग्राम अगर आप 2000 मिलीग्राम से ऊपर जाते हैं काफ़ी तो उसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आपको हो सकती है तो ये ख़ास ध्यान रखना है छोटे बच्चों के लिए हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको 500 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा डोज जो है वो नहीं देना चाहिए एंड ओनली यूज इफ़ यू हैव फीवर कि जब सिर्फ आपको फीवर है तभी उसको लेना है बॉडी के अंदर समझे कि फीवर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में ये टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है अब समझते हैं उसके एक्शन टाइम के कितने टाइम में ये टैबलेट अपनी एक्शन देता है तो टैबलेट लेने के बाद विद इन थर्टी फाइव तो टू फोर्टी मिनट्स के अंदर ही उसकी एक्शन जो है वो आपके बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है मतलब कि जैसे ही आप टैबलेट लेते हैं तो विद इन थर्टी फाइव या फोर्टी मिनट्स के अंदर आपका जो फीवर है वो कम हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर आप जो है वो थर्मोमीटर से चेक करेंगे तो फिर से वो नॉर्मल की रेंज में आ जाता है बट जरूरी यह है कि टेक मैक्सिमम थ्री टैबलेट्स पर डे हायर डोज में कोज हिपेटोटॉक्सीसिटी इन बॉडी हिपेटोटॉक्सिस जिसका मतलब होता है लीवर को डैमेज कर सकता है मिकेनिज्म हम देखें तो ये एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है और साथों साथ ऐसे केमिकल मेडिएटर्स की जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन कि जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको भी प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस करता है कि जिससे आपके बॉडी के अंदर पेन कम होता है और ये एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके वो अपनी एंटीपायरेटिक एक्शन देता है कि जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है फीवर रिड्यूस हो जाता है उसके साइड इफेक्ट्स हम देखें तो लीवर डैमेज करता है ये सबसे बड़ी उसकी मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर कहा जाता है हिपेटोटॉक्सीसिटी तो यहाँ पे आप लीवर के जो कंडीशंस देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो लीवर है वो कंप्लीटली नॉर्मल लीवर है जबकि एक्सेसिव पैरासीटामोल्स लेने के कारण एक्सेसिव कैल्पोल टैबलेट लेने के कारण इस तरह से आपका लीवर डैमेज हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी तो हायर डोज के अंदर कभी भी यूज ना करें सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही फीवर वगैरह हो तो ही कैल्पोल को यूज़ करें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर रेसिस हो सकते हैं स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो सकता है स्किन के ऊपर या फिर फेस वगैरह के ऊपर स्टमक पेन जैसा फील हो सकता है नोजिया हो सकता है एंड वॉमिटिंग वगैरह भी होता है फिर इस तरह से स्टमक या फिर एब्डोमिनल पेन जैसे भी साइड इफेक्ट्स होते ही अगर कोई उसको ओवर के अंदर यूज़ करता है उसकी वार्निंग्स हम समझ लें तो हाइपर सेंसिटिविटी है समझो कि आपको पैरासिटामोल से तो उसको यूज़ ना करें एलर्जिक रिएक्शंस होती है इसको लेने के बाद तो भी उसको यूज़ ना करें डोंट यूज़ इफ़ यू हैव ए लीवर डैमेज कि आपका लीवर ऑलरेडी इस तरह से डैमेज है तो उसको यूज़ ना करें डोंट यूज़ इफ़ यू हैव ए किडनी फेलियर आपकी किडनीज भी समझो कि इस तरह से डैमेज है किडनी ख़राब है तो भी उसको यूज़ नहीं करना है एंड इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द डॉक्टर और फार्मासिस्ट इफ़ यू स्टार्ट टू फील एनी साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल टैबलेट एंड मेक दिस यूज सेफ़ यूज़ ऑफ़ दिस मेडिसिन कि अगर आपको कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कैल्पोल टैबलेट लेने के बाद तो तुरंत आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को कॉन्टैक्ट करें जिससे वो आपको दूसरे अल्टरनेटिव सेफ मेडिकेशन जो है वो दे सकते तो यह था स्पेशल लेक्चर अबाउट द कैल्पोल टैबलेट थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर ज्वाइन कर सकते है व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर फार्मरऑक्स के एप ऊपर सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट